हाँ जी दोस्तों नमस्कार, तुहाडा अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अज आप टोयोटा इनोवा की टाइमिंग बेल्ट और टैप्ट कवर जैन चेंज करांगे। इस दे आप देखांगे इधर पहला जो निशान ने इन्हों सही करांगे और नीचे पंप का निशान भी सही करांगे। पंप का निशान इधर साइड ते सेंसर दे नीचे तुसी देख सकते हो, पुली ते जो कट लग्या होया है उस दे बिल्कुल अपा निशान दे सामने करांगे। मोबाइल नीचे जाके बिल्कुल देखो इस तरह पुली दे कट बिल्कुल सामने करांगे। इस तो बाद दोस्तों आप निशान सही करके तो आप जो इधर रजिस्टर बैरिंग है उसनों आप खोलांगे। नीचे तुसी देख सकते हो जो वायरिंग नू टाइट कर ली छोटा जा शॉकर लग्या होया उस दे 10 नंबर दे दो नट उन्हां नू खोलांगे ता जो बेल्ट अपनी वायरिंग पीछे हट जाना तो बेल्ट वो बाहर आ जानी है, खुल जानी है। जिहड़े दर्शक अपने चैनल पर नवे आए हैं वो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और जिहड़े जिन्होंने चैनल नहीं सबसक्राइब किया वो जरूर चैनल को सबसक्राइब जरूर कर लियो ता जो तुहानू वीडियो सब तो पहला देखने लई मिल सके। हाँ जी दोस्तों तुसी देख सकते हो आप जो बेल्ट हुण बाहर कढ़ांगे वायरिंग के नीचे शॉकर खोल के बेल्ट आसानी के नाल बाहर आ जाएगी। बेल्ट बिल्कुल सुकी पई है जे जारे के उपर लग रही है, आप वायरिंग खोल के भी चैक करांगे इसका उसकी जंगाल वायरिंग तो निकल बेल्ट नूं खराब कर दिता। वायरिंग भी आप इसका चेंज करांगे, रजिस्टर वायरिंग है जो ये देखो तुसी इहदा बुश वड्या पिया जर लगी पिया विच टाइट होया पिया तो आप इसनों भी चेंज करांगे, नवा पावांगे भी न्यू चेंज करांगे इसनों। ये देखो ये टाइट होया पिया जिदा जिदा टाइमिंग बेल्ट चलती है ना ये वायरिंग भी आवाज़ करता सी बहुत ज़्यादा। इसकी टाइमिंग बेल्ट आप नवी पावांगे हुण पावर ग्रिप की बेल्ट न्यू टाइमिंग करके इन्हों आप चढ़ावे। चंगी तरह साफ करके आप नवी बेल्ट इस अप्लाई करांगे। नीचे तो भी पंप की पुली चंगी तरह साफ करके नेक्स्ट
बेल्ट चढ़ावांगे। हाँ जी दोस्तों, चैनल नूं सबसक्राइब जरूर कर लियो तां जो तुहानूं अगली अपडेट सब तो पहला देखने लई मिल सके। वीडियो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दियो नाल दी नाल। हाँ जी दोस्तों, आप टैप्ट कवर का जो जैन है इसनों फिटिंग करके आप रख दिता। इस तो पहला आप टैमिंग बेल्ट इसकी चढ़ावे, फिर इस तो बाद टैप्ट कवर कसांगे। हाँ जी दोस्तों, आप एक बार फिर बेल्ट जुड़ाने तो पहला आप चैक कर लेने, निशान जरूर चैक करने हैं और आप इसनों कंट्रोल किया इसका प्रैशर ता जो आसानी के नाल इसनों कसया जा सके। बैरिंग के नीचे इसनों लगावे। हुण आप इसका प्रैशर जरूर कंट्रोल कर लेना ता जो आसानी दे नाल कसया जा सके। इस दे हुण आपां जो 10 नंबर दे बोल्ट ने उसनूं लगावांगे। वीडियो नाल इसी तरह ही लगातार बने रहो अखीर तक। दोस्तों होर जानकारी लई तुसीं अपना नंबर डायल कर सकते हो, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन के अपना नंबर पाया हुआ है। कोई होर जानकारी लिए तुसी कॉल कर सकते हो। अपनी वर्कशॉप मौड़ मंडी मौड़ कलां कैंचियां के उत्ते मान मकैनिकल के नाम से मेन हाईवे बाईपास से मौजूद है। ये आप जो नट बोल्ट 10 नंबर के पूरी चंगी तरह गोटी रॉड ना टाइट करने हैं, जो सारा ही प्रैशर इन बोल्टा के उपर बैरिंग का पैंदा है। नटा चंगी तरह टाइट करने तो बाद जो आप एल की है उसनों बाहर कट देवे। यो बैरिंग का नट है जो एल की वाला उसनों भी चंगी तरह टाइट करांगे 10 नंबर की एलकी नाल चंगी तरह टाइट करांगे। इसनों भी आप हाँ जी दोस्तों, हुण आप जो उसनों शॉकर नूं कंट्रोल प्रैशर कंट्रोल किया सी तां उसकी जो एलकी है उसनों बाहर कढ़ांगे। हाँ जी दोस्तों, आप एलकी नूं प्लास की मदद के नाल इसनों बाहर कढ़ांगे ता जो बैरिंग प्रैशर ते हो सके टेंशन ते हो सके बेल्ट जिहड़ी चंगी तरह टाइट हो सके बेल्ट जो चंगी तरह टाइट हो सके। हाँ जी दोस्तों, बेल्ट चंगी तरह टाइट हो चुकी है। वीडियो देखने लिए थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो नू लाइक कमेंट शेयर जरूर कर लियो और चैनल नू सब्सक्राइब जरूर कर लियो। धन्यवाद जी।